तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग अनबॉक्सिंग और रिव्यू करते हैं एशियन के लेटेस्ट आर्टिकल ट्विन स्प्रिंग 02। सबसे पहले अब हम लोग इसका लुक देखेंगे। लुक वाइज ये देखिए, लुक वाइज जूता आप देखेंगे तो मेटा कुशन 01 जो आर्टिकल है इनका, उससे थोड़ा सा इंस्पायर ये लग रहा है। सबसे पहले इसके सोल के बारे में बात करते हैं। सोल इसका फाइलोन सोल पे बनाया गया है, तो इसका जो बैक पोर्शन है सोल का, जो ये एक लेयर आपको दिख रहा होगा, ये एक फाइबर का बनाया गया है। लेकिन जो इसके मिड सोल है, सारी कहानी इसी में इस जूते की रखी हुई है। क्योंकि अभी थोड़ी दिन पहले ही हम लोग ने एब्रॉस का एक जूते की अनबॉक्सिंग किया था। हाइपर फ्यूज करके एब्रॉस की टेक्नोलॉजी है और उस पर उन्होंने कई जूते लॉन्च किए हैं और वो जूते बहुत ही कॉस्टली है, जिसके वजह से मैंने जूते को वीडियो जब बनाया है तो उसमें उसको बाय का रिकमेंडेशन नहीं दिया है। जूते की क्वालिटी अव्वल दर्जे की थी, सिर्फ उसकी प्राइसिंग हाई होने की वजह से मैंने उसको रिकमेंड नहीं किया था, क्योंकि वो जूता जो खरीदने वाला रेट है वो 2000 के ऊपर होता। लेकिन ऐसे जूते देखिए जो एशियन है, या अभी कुछ दिन बाद हो सकता है कि कोलंबस भी ऐसे जूते बनाने लगे और जिनकी प्राइसिंग 1500 के नीचे आपको मिलेगी। क्वालिटी लगभग एब्रॉस की प्रीमियम आप कह सकते हैं, लेकिन इसकी जो क्वालिटी है वो कहीं से कम नहीं है। 1920 का अंतर है। उसके सोल की ही बात थी, वही सोल इसमें भी दिया गया है, देखिए कितना ज़्यादा कम्फर्ट है, और सेम क्वालिटी लगभग उसमें भी थी। इसी वजह से मैंने कहा था कि उस जूते को मत लीजिए, कुछ दिन बाद आपके नए नए जूते आने वाले हैं, उसमें आपको उसी क्वालिटी का जूता मिलने लगेगा। इसमें आप देखिएगा बीच में दो ये सुरंग भी है, जहां से आप अपनी गाड़ी को निकाल सकते हैं। इसका ये फायदा होता है, इस सुरंग का, इसके वजह से आपके जो प्रेशर पड़ेगा पूरे बॉडी का, इसके होने वजह से थोड़ा सा उसमें कम्फर्ट आपको और मिल जाएगा। इसके इंसोल की बात किया जाए तो इसमें मेमोरी फोम वाला इंसोल का यूज किया गया है, जिसका इसमें नाम है फोम थेरेपी। ये थोड़ा सा कर्व होता है, जिसके अंदर पैर आसानी से आ जाता है। इसके और बात किया जाए, इसके अंदर से देख लेते हैं, अंदर से भी इसमें काफ़ी फोम का यूज किया गया है, तो आपके जब इस जूते को पहनेंगे तो भी आपके अंदर से भी एक सॉफ्टनेस का फीलिंग बहुत अच्छे से आएगा। इसके अपर मटेरियल की बात किया जाए, अपर मेस की, तो अपर मेस जो कॉटन वाला होता है उसका यूज किया गया है, जिसके वजह से ब्रीदेबल थोड़ा सा हो सकता है ये कम रहे, लेकिन यह इसका फायदा यह होगा कि जैसे बारिश वगैरह में ये भीग जाता है तो सूखेगा बहुत तेज। कलर कॉम्बिनेशन ब्लैक कलर का है, प्लेन कलर पे है, जैसे यहाँ से पूरा ब्लैक दिख रहा है आपको तो ब्लैक है, लेकिन इसमें देखिए टेक्सचर आपके बने हैं जो कि थोड़ा सा उभरे हुए हैं, चाहे वो आगे का एरिया हो, चाहे वो साइड एरिया हो, कहीं से भी हो, ये देखिए पीछे भी यहाँ पे एक अलग डिजाइन उभर के नजर आ रहा है। साथ में एशियन का लोगो का जो प्रेजेंटेशन है वहाँ, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे दिया गया है, इधर भी दोनों साइड है, टंग पे दिया गया है, सोल पे कहीं भी एशियन वगैरह नहीं लिखा है। टंग की क्वालिटी नॉर्मल है, टंग हो चाहे कॉलर हो, दोनों में फोम नॉर्मल ही यूज किया गया है, जो कि एक तरीके से सही होता है। बहुत ज़्यादा फोम लगाने से वो जूते में कंफर्ट को कुछ दिन बाद, शुरू में हो सकता है कंफर्ट है, लेकिन कुछ दिन बाद वो कंफर्ट कम ही कर देगा। इसके जहाँ लेसेस लगे हैं, यहाँ के पार्ट को देखा जाए तो लेसेस के साथ प्लास्टिक का पूरा एरिया बनाया गया है, ताकि आपके लेसेस ये जल्दी फटे ना। और जो लेसेस थोड़ा सा डिफरेंट बनाया गया इस बार, ब्लैक कलर के साथ व्हाइट की लाइनिंग की पट्टी पूरी बनाई गई है। इसका वेट करके देखते हैं, वेट इसका 380 ग्राम है, जो कि मेरे मानक से थोड़ा सा ज़्यादा है। मैं 320-340 ग्राम तक के वेट को थोड़ा अच्छा समझता हूँ, उसके बाद को थोड़ा सा ओवर वेट ही कह सकते हैं, तो ये जूता का वेट थोड़ा सा ज़्यादा। तो अब चलिए इस जूते को हम लोग पहनते हैं और इसकी रियल टेस्टिंग करते हैं। तो दोस्तों, मैंने जूते को पहन लिया है, तो सबसे पहले आप जूते का लुक देखिए। ये देखिए साइड से लुक है, ये फ्रंट लुक, और ये इधर साइड से, और ये बैक लुक। तो लुक वाइज तो बहुत ही प्यारा दिख रहा है। ये इनका सोल है, सोल की क्वालिटी जैसे मैंने आपको बताया था बहुत ही सॉफ्ट है। ये देखिए यहाँ पे प्रेशर डालने पे ये काफ़ी अच्छे से दब रहा है, मीन्स की जो इसका कंफर्ट होगा इस जूते का वो बहुत ही अच्छा मिलेगा आपको। अगर इसके इंसोल की बात किया जाए तो इंसोल भी बहुत ही अच्छा वाला यूज किया गया है, जिसके वजह से उस पर भी काफ़ी अच्छा कम्फर्ट मुझे अंदर से काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये अपर मेस होता है, अपर मेस से काफ़ी ब्रीदेबल वाला यूज किया गया है, और इसके नीचे फोम का यूज किया गया है, जिसके वजह से भी कंफर्ट आपको मिल रहा है। बाकी यहाँ पे ये सब देखेंगे, दो सुरंग है जिसको मैंने एक्सप्लेन किया था, इसके वजह से भी काफ़ी अच्छा कंफर्ट मिल रहा है। तो चलिए इसके ग्रिपिंग को टेस्ट करते हैं। ग्रिपिंग थोड़ा सा मुझे कम लग रहा है, और इस पर ग्रिपिंग ठीक मिल जाना चाहिए, तो एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। ग्रिपिंग के मामले में हो सकता है थोड़ा सा ये कमज़ोर हो। इसमें जो ये TPR का यूज किया गया है, ये देखिए, जिसके वजह से ये TPR थोड़ा स्लिपरी हो रहा है, क्योंकि इसमें जो TPR में
लेदर मिक्स होता है उसकी मटेरियल कम होगी, और एक लुक देने के वजह से इसमें काफ़ी इसको प्लास्टिक या फाइबर का ज़्यादा यूज किया गया होगा, जिसके वजह से ग्रिपिंग 19 है। बहुत ज़्यादा ग्रिपिंग इसमें कम नहीं है, लेकिन बाकी जूतों की अपेक्षा अगर बात किया जाए तो इसमें जो ग्रिपिंग है वो थोड़ा सा कम है। तो दोस्तों चलिए अब इस जूते के फाइनल वर्डिक्ट की बात करते हैं। जैसा कि मैं क्वालिटी की बात किया जाए तो क्वालिटी ओवरऑल परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी जो सेलिंग प्राइस है, अगर मैं कंपैरिजन करना चाहूँ, डिक्टो नहीं कह सकते, 19-20 का अंतर है एब्रॉस के मैक्सिमस आर्टिकल से, तो उससे कंपैरिजन में ये 19 होगा। लेकिन प्रोडक्ट की जो प्राइस है, जूते की जो प्राइस है, वो लगभग आपको आफ्टर डिस्काउंट भी 2000 के ऊपर मिलेगा। लेकिन एशियन का ये वाला आर्टिकल आपको 1400-1500 में हंसते हंसते हर जगह, वो चाहे ऑनलाइन हो चाहे रिटेल, आपको हंसते हंसते मिल जाएगा। तो सेम क्वालिटी थोड़ा सा 1500 के नीचे, तो ये जूता लेने लायक है। तो आशा करते हैं एशियन के ट्विंग स्प्रिंग 02 की अनबॉक्सिंग रिव्यू साथ में रियल टेस्टिंग आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।